बीते कुछ दिनों से देश में एक नई बहस चल रही है, इंडिया वर्सेस भारत। ये बहस शुरू हुई राष्ट्रपति भवन के एक लेटर हेड से, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। और ये लेटर हेड G20 में आ रहे तमाम डेलीगेट्स को डिनर के लिए इनवाइट करने वाला लेटर हेड था। इसके बाद अपुष्ट तौर पर यह खबर भी सामने आई कि अब देश का नाम भी बदलेगा, देश के नाम से इंडिया हटेगा और सिर्फ भारत ही आधिकारिक तौर पर अब इस देश का नाम रहेगा। सरकार जल्द ही इसको लेकर बिल भी ला सकती है। ये बातें अपुष्ट तौर पर ही सामने आई थी और अब सरकार ने इस पर सीधा सीधा जवाब दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि ये सारी बातें अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। किसी ने सरकार की तरफ से अब तक ऐसा नहीं कहा है कि हम इंडिया नाम को ड्रॉप करने जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कुछ दिन पहले भी इंडिया और भारत वाली इस पूरी डिबेट पर अपनी राय रखी थी। अरे नाम तो हमारे देश का आज नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। और आप इसको कुछ भी हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें, भारत कहें, आपको क्यों इससे विरोध होता है? अगर मैं कहता हूं मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं तो आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं भारत का रहने वाला तो आपको क्यों गरेज? भाई मैं इंडिया का भी रहने वाला हूं, आप किसी भी नाम से लें। दरअसल ये सारा मामला शुरू हुआ था राष्ट्रपति भवन के एक लेटर हेड के सामने आने से। इसको लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया था, लिखा था तो ये खबर सही साबित हुई। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए एक न्योता भेजा है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेजा गया है। अब संविधान का अनुच्छेद 1 कुछ ऐसा पढ़ा जा सकता है कि भारत जो कि इंडिया था, संघों का एक समूह है, लेकिन अब तो संघों के समूह का ढांचा भी खतरे में ही है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद, राष्ट्रपति भवन का लेटर हेड सामने आने के बाद इस पूरी जिरह ने, इस पूरी डिबेट ने जोर पकड़ लिया था। इन सारी बातों के पहले भी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने इंडिया और भारत वाली बहस पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमें भारत नाम के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। भागवत की बात सुनिए। सरकार से नहीं, नेताओं से नहीं, आश्वासन तो होता ही नहीं, तो जो आचरण करते हैं वो हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ। यानी कुल मिला के तमाम ऐसे घटनाक्रम बनते रहे, जयराम रमेश का ट्वीट, मोहन भागवत का बयान, उसके बाद राष्ट्रपति भवन का लेटर हेड का सामने आना, जिससे इस पूरी बहस को जोर मिला और अपुष्ट तौर पे खबरें भी बनने लगी कि जल्द ही देश का नाम भी बदला जा सकता है, इंडिया को ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने इस पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।